ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को अटेंशन देने में, फोकस करने में और अपनी इंपल्स को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये प्रॉब्लम बचपन में शुरू होती है और कभी कभी एडल्ट लाइफ तक भी चली जाती है। ADHD होने की जो वजह है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसमें ब्रेन स्ट्रक्चर, जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर सब इंक्लूड होते हैं। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि ADHD हेरिडिटी है, मतलब अगर आपकी फैमिली में किसी को ADHD है तो आपको भी होने के चांसेस हैं। लेकिन कुछ स्टडीज़ ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरियाज़ हैं जहाँ जो अटेंशन और कंट्रोल को मैनेज करती हैं, तो ये एरिया कुछ डिफर होते हैं उनमें जिनमें ADHD होता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ADHD के सिम्टम्स हर इंसान में डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन साइन हैं जिसे देखकर हम ADHD आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहना, कंसंट्रेट ना कर पाना, अपने टास्क कंप्लीट ना कर पाना और इम्पल्स डिसीजन लेना। लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं किसी और वजह से भी हो सकते हैं, हमारी जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उसकी वजह से, जैसे एनजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, है ना। इसलिए ADHD को डायग्नोस कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए ADHD को सही से समझना न केवल आपके फोकस को इम्प्रूव करेगा बल्कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। ADHD के तीन मेन एस्पेक्ट्स होते हैं, इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। इन अटेंशन का मतलब होता है किसी टास्क पर ध्यान न दे पाना, फोकस को सस्टेन न कर पाना और ऑर्गेनाइजेशन में परेशानी। लेकिन ये प्रॉब्लम किसी अंडरस्टैंडिंग या डिफाइंस की वजह से नहीं होती, ये उनकी नेचुरल कंडीशन का हिस्सा होती है। अब बात करते हैं हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है बिना किसी वजह से कंटिन्यूसली मूव करना, चाहे सिचुएशन अप्रोप्रिएट हो या नहीं। बच्चों में ये ज़्यादा मूवमेंट या बातें करना होता है, लेकिन एडल्ट्स में ये एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस या ज़्यादा बातें करने का रूप में दिखते हैं। इम्पल्सिविटी का मतलब होता है बिना सोचे समझे रिएक्ट करना या सेल्फ कंट्रोल में परेशानी होना। ऐसे लोग जल्दी से रिवॉर्ड चाहते हैं और डिले से परेशान हो जाते हैं। ये लोग दूसरों को इंटरप्ट करते हैं या बिना लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचे बड़े डिसीजन ले लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ADHD में फोकस करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। उसके पीछे एक ही सिंपल सा रीज़न है कि जब हमारा दिमाग कंटिन्यूसली हाइपर और इन अटेंशन मोड में होता है तो नेचुरली सी बात है कि हम फोकस नहीं कर पाएंगे। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, इसी वजह से हमारा काम पूरा नहीं होगा, अच्छे से प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाएंगे और फिर प्रोक्रेस्टिनेशन होगी। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ये इसी वजह से हो रहा है। कभी कभी बड़े टास्क को देखकर हम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील करते हैं। ADHD ब्रेन के लिए और भी चैलेंजिंग है, इसलिए बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कीजिए और फिर उसको करना शुरू कीजिए। ADHD वाले लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके पास मोटिवेशन की कमी है, लेकिन सच ये है कि वो मोटिवेशन में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। मतलब मोटिवेशन तो है लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाते, इसलिए उनको इस हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि जो ADHD ब्रेन है वो उस केमिस्ट्री के साथ काम करे। आपने देखा होगा कि हम कितने सारे गोल्स बनाते हैं, है ना, लेकिन कुछ काम नहीं आता, कुछ टाइम तक हम लोग कर पाते हैं फिर उसको छोड़ देते हैं। वो इसी वजह से, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो डोपामीन मांगता है। ADHD वालों का जो ब्रेन है उन लोगों का डोपामीन मांगता है, और डोपामीन आपको पता ही है थोड़ी देर के लिए मिलता है, इसलिए हमें उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी जिससे वो टास्क इंटरेस्टिंग बना रहे, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा बना रहे जिससे डोपामीन निकलता रहे, है ना। अक्सर हम सबसे पहले टफ काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज़ ADHD ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। इसमें बोला जाता है कि आप अपने काम को बहुत ही जो इजी काम है उससे शुरू कीजिए, जिससे आपको एक मोमेंटम मिल जाएगा और उस मोमेंटम की वजह से आप उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे, वो मोटिवेशन बना रहेगा। तो इसमें उल्टा है, ADHD ब्रेन को अगर हाइपर फोकस में लाना है तो अपने टास्क को और चैलेंजिंग बनाएं, जिससे कि किसी बोरिंग टास्क को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसमें एक चैलेंज ऐड कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी आपको हेल्प करेगी फोकस बेटर करने। तो ये कुछ टिप्स थी ADHD के फोकस को इम्प्रूव करने के लिए। अब बात करते हैं ADHD को एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे समझा जाता है। स्कूल्स और टीचर्स के लिए ये समझना इम्पोर्टेंट है कि ADHD कोई बैड बिहेवियर या डिसओबीडियंस का इशू नहीं है। ये एक जेन्युइन मेडिकल कंडीशन है जिसमें स्टूडेंट का अटेंशन और फोकस मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए टीचर्स को ये समझना चाहिए कि ADHD वाले स्टूडेंट्स को अलग टीचिंग मेथड्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि शॉर्टर इंस्ट्रक्शन देना, फ्रिक्वेंट ब्रेक्स देना और उन्हें उनके पेस पर काम करने देना। ऐसे एनवायरनमेंट से उनका फोकस इम्प्रूव हो सकता है। टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ADHD वाले बच्चों के लिए सपोर्टिव और स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट क्रिएट करें। क्लियर इंस्ट्रक्शन, रेगुलर फीडबैक और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट
इनके लर्निंग एक्सपीरियंस को बेटर बना सकता है। आप उन्हें विजुअल एड्स के थ्रू कंसेप्ट समझा सकते हैं या फिर टास्क को स्मॉलर स्टेप्स में तोड़कर उन्हें ज्यादा मैनेजेबल बना सकते हैं। ये छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज इनकी लर्निंग को आसान और इफेक्टिव बनाती है। अब बात करते हैं एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक पर, ADHD के लिए मेडिकेशन। कई पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए ये डिसीजन टफ होता है। मेडिकेशन का यूज़ तभी कंसिडर किया जाता है जब सिम्टम्स इतने सर्व हों कि वो बच्चों की डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहे हों। मेडिकेशंस के अपनी प्रॉन्स एंड क्रॉन्स होते हैं। ये सिम्टम्स को मैनेज करने में हेल्प कर सकते हैं, लेकिन साइड इफेक्ट का रिस्क भी होता है। इसलिए ये डिसीजंस हमेशा एक प्रोफेशनल की गाइडेंस में ही लेना चाहिए। मेडिकेशंस को थेरेपी और बिहेवियरल स्ट्रेटजी के साथ कंबाइन करके सबसे इफेक्टिव अप्रोच हो सकती है। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रेडिशनल सेंस में क्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन मेडिटेशन और लाइफस्टाइल चेंजेस से सिम्टम्स को मैनेज और रिड्यूस किया जा सकता है। ये कैसे मदद करता है ये समझते हैं। रेगुलर माइंडफुलनेस मेडिटेशन से अटेंशन और फोकस इम्प्रूव होता है, क्योंकि ये माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ट्रेनिंग देता है। ये इम्पल्सिविटी और हाइपर एक्टिविटी को भी रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये काम और सेल्फ अवेयरनेस को प्रमोट करता है।